से कुछ ऐसा लुक है तो आगे के भी ज़्यादा कट नहीं हुए बाल, तो बहुत ही प्रीटी लग रही माशाल्लाह। ऐसे ऐसे अच्छे हेयर कट देखो आप मिरर में, लुक एट द मिरर, कैसे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं रमज़ान का पार्ट टू लाई हूँ। इसमें मैं बाकी की क्लीनिंग, इससे पहले वाली मैंने जो क्लीनिंग बताई थी वो है रूम की थी। अब पार्ट टू में यहाँ पे हम जो है हॉल की ये ग्लासेस है इनकी क्लीनिंग करेंगे, डीप क्लीनिंग। तो ये देखिए इनसाइड भी जो ग्लासेस के सेंटर वाला पार्ट होता है वहाँ से सब दूर से, और मिडिल में देखिए आप कितनी डस्ट हो रही है। ये नेट की क्लीनिंग, ये है क्लॉथ मैट, तो इसकी पूरी डस्टिंग क्लीनिंग होगी, नीचे की फ्रेम ऊपर की फ्रेम, तो हम डीप क्लीनिंग इसकी करेंगे। तो रमज़ान आने वाले तो उससे पहले हमें ये सब काम करना है, तो अब हम इसकी क्लीनिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से कारपेट भी हटा देंगे, यहाँ पे बाहर से अंदर से पूरा हमें इसको क्लीन करना है, तो हमें स्पेस भी चाहिए। देखिए चैनल के अंदर कितनी डस्ट हो रही है, तो अभी ये डस्ट कोई इतना ज़्यादा टाइम की नहीं है, विद इन अ मंथ की है ये वाली। और ग्लासेस मैंने अराउंड 3 मंथ्स पहले क्लीन किए थे, और ये विद इन मंथ 15 डेज़ में ये इतना डस्ट हो जाता है। मैं झाड़ू पोछा क्लीनिंग जब भी होती है तो ये चैनल 15 दिन में इस तरह से नीचे से तो क्लीन हो ही जाता है, पर आज हम इसकी पूरी डीप क्लीन करेंगे। और बाहर जो भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, इसकी भी हमें क्लीनिंग करना है, तो ये दोनों हम आज का काम है इनका, और टाइम लगेगा थोड़ा, तो ये सब भी हम क्लीन कर लेंगे। और ये बाहर ये देखिए ये प्लांट्स पे फ्लावरिंग आना शुरू हो गई, इतना अच्छा लगते हैं क्योंकि अभी समर का टाइम स्टार्ट हो गया है, समर में कलरफुल फ्लावर्स काफ़ी प्रीटी लगते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं काम की तरफ, ये सब चीज़ें चलती रहेगी, तो मैं साथ ही साथ आपको बताती भी जाऊंगी कैसे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे क्लीन कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने ये वाला रूम क्लीन किया था, डीप क्लीनिंग इसकी पूरी हो गई थी, मैंने अलमारी पूरी क्लीन कर दी थी, शेल्फ कर दी थी, और ये उसके नेक्स्ट डे मैंने ये क्लीन कर दी थी लाइबा की अलमारी, और ये मेरे हिजाब वाला सेक्शन है, इसको मैंने सेट कर लिया था, तो इसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, और ये तो इजी है, फिर इंशाल्लाह कभी बताएंगे डिटेल में। तो इस बार मैंने हिजाब को क्या करा, इस तरह से रोल करके रख लिया है ताकि यहाँ से मुझे पूरे कलर्स भी दिखें, और न्यू ओल्ड जो भी है मेरे जितने भी उन सबको मैंने रख दिया है। इसमें से कुछ कुछ ऐसे हैं जिसको मुझे डिस्कार्ड भी करना है, पर हाल फिलहाल मैंने सबको रख दिया है कि बाद निकालेंगे, अभी रमज़ान के टाइम पे मिड में टाइम रहेगा तब हम ये निकालेंगे। अभी मुझे सिर्फ इसको सेट करना था, तो मैंने पूरा सेट कर लिया है। इसमें मैं हेड कैप में भी जो हिजाब यूज़ करती थी वो भी है, और यहाँ एक लाइबा की कैप रखी है, ऊपर वाला सेक्शन पूरा मिडिल वाला पूरा लाइबा का है, यहाँ पर मैंने उसकी टी शर्ट जीन्स ये सब सेपरेट सेपरेट पार्ट्स में कर दिए। और नीचे वाले सेक्शन में क्या है एक्स्ट्रा, जो भी छोटे मोटे लाइबा की नाइट ड्रेस हो, ये अभी न्यू वाले कपड़े हैं वो सब रखे हुए हैं। तो ये हो गया है, तो ये रूम भी हमारा क्लीन हो गया है, और वो रूम भी हो गया। अब एक और रूम बचा है, वो है चाइल्ड रूम जहाँ पे टॉयज है, तो वो भी क्लीन करना है। तो अब हम चलते हैं क्लीनिंग की तरफ, तो हम ये सब क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए अब ये सब चीज़ें हटा देंगे, कर्टन्स को अभी मैं नहीं हटाऊँगी क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, हम उसको ग्लासेस को शिफ्ट करके कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले हम थोड़ा सी एनर्जी बूस्ट कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, चाय की चुस्की ले लेते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 10:30 मॉर्निंग के, 10:30 हो रहे हैं। तो ये था ये फैब में मैंने ये 26 फैब पे मैंने ये शूट करना स्टार्ट करा था, फिर कुछ वजह से शूट नहीं हो पाया था, फिर मैंने बाद में अगेन अभी मार्च स्टार्ट हुआ देन डीप क्लीनिंग वापस से स्टार्ट करी। और ये देखिए इस तरह से पहले मैं जितनी भी डस्ट है ये फर वाले से पूरी डस्टिंग कर लूँगी अच्छे से, तो सारी डस्टिंग हम कर लेंगे इस तरह से पूरी तरह से ताकि ज़्यादा धूल ना रहे जब हम इसको वेट करके क्लीनिंग करें। तो ये देखिए कितना कचरा निकला है, तो इस तरह से हम जब भी हम कोई भी क्लीनिंग काम करते हैं तो डस्टिंग वाला काम पहले कर लेना चाहिए। तो इस तरह से मैं ये वाला डस्ट यूज़ करती हूँ फर वाला, और इससे पूरी डस्टिंग क्लीन करते हैं। तो नेट को भी हम अच्छे से इसी से डस्ट कर लेंगे, इसी से क्लीन कर लेंगे, तो ड्राई वाला पूरा काम कर लेंगे। ऊपर ये जो चैनल है इसके साइड वाले पैच में भी यहाँ पे भी हम अच्छे से इसको कर लेंगे, वहाँ पे भी छोटे छोटे स्पाइडर्स बग्स ये सब हो जाते हैं। ये देखिए अंदर वाला भी इसी से कितने अच्छे से क्लीन हो रहा है, तो ये वाला फर बहुत काम का होता है, मुझे तो बहुत पसंद आता है। ये देखिए अंदर की डस्ट इससे कितने अच्छे से, यहाँ पर क्योंकि हम क्लीन नहीं कर पाते
और जब गेट खुलता है हाफ, तो ये देखिए कितनी डस्ट दिख रही होगी आपको, तो ये इससे इजीली क्लीन हो जाती है। तो आप भी इस तरह से इसको क्लीन कर सकते हैं अंदर डाल के। तो ये देखिए जितनी भी डस्ट है, अब हम इन सबको निकाल लेंगे और ये चैनल को भी क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम ग्लासेस की और ये सब, और अब जितना भी कचरा निकला उसको झाड़ू से साफ़ कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे कॉलिन की हेल्प से ग्लास को क्लीन करना स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं एक पीला अच्छे से कपड़ा इससे क्लीन करूँगी नॉर्मली, फिर उसके बाद डबल क्लीन करके फिर हम पेपर का यूज़ करेंगे, पेपर से क्लीन करेंगे। और एक और मेथड जो नॉर्मली वाइपर से क्लीन करने वाला है, मैंने वो काफ़ी ट्राई किया है, मैंने बहुत तरह से सोचा है, ट्राई करा है, पर वो मुझसे तो नहीं होता है। मैं आगे आपके साथ बताती हूँ कि कैसे कराती हूँ मैं। तो अगर आपको भी उसके बारे में कुछ पता है कि कैसे इजीली होता है, मेरे ख्याल से वो बाहर कंट्रीज़ में स्नो और ये सब रहता है तो उन लोगों के लिए बेटर है, उनका सिर्फ पानी रहता है तो वो वाइप्स कर देते हैं तो वो ईजी रहता है, और उसके लिए शायद कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट ट्रिप्स होगी तो उससे वो ईजीली होता है। तो यहाँ पे मैं चैनल के बीच में भी ये देखिए ये वेट क्लॉथ मैंने पूरा कर लिया है, इस क्लॉथ को वेट कर लिया है। तो वेट क्लॉथ से मैं अब पूरे चैनल की जो फ्रेम है वो, और चैनल के बीच में सेंटर है, अंदर सिर्फ काफ़ी डस्ट रहता है, यहाँ हम देख नहीं पाते हैं, पर ये अच्छे से अभी क्लीन होगा, डीप क्लीनिंग करें तब आप ये चीज़ का ध्यान रखें, अच्छे से इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो अभी क्या है ना, मैं फ्री थी और अभी ये भी घर पे नहीं थे, तो लाइबा भी स्कूल गई भी रहती है, तो ये इजीली मैं क्लीन कर पाती हूँ। काम में मतलब घर पे अगर कुछ और काम रहता है तो हमारा ध्यान वहाँ लगा रहता है, हम अच्छे से कर नहीं पाते। तो ये मैं फ्री थी, ये देखिए टॉप वाली सरफेस पे से इतना डस्ट वहाँ पे भी हो जाता है, तो ये इसको भी हम अच्छे से क्लीन कर रहे हैं टॉप तक के पूरा। तो जब ये नहीं रहते तो हम इजीली आराम से रिलैक्स फ्री होके, ना कोई खाना बनाने की झंझट, ना किसी को कोई कुछ सर्व करने का, और बच्चे से भी फ्री रहते क्योंकि बच्चे बार बार परेशान, ये चाहिए वो चाहिए, हम आराम से क्लीन कर सकते हैं। तो ये एक सुकून वाले काम होते हैं, तो जो बहुत ही सुकून से मैं कर पा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से अभी। और रमज़ान की तैयारी में डीप क्लीनिंग का बहुत ज़रूरी होती है, ऐसा लगता है कि बस कैसे भी करके हम घर को या तो रीपेंट कर दें या तो पूरा नए तरह से पूरा सेटअप कर दे, तो ये डीप क्लीनिंग भी ज़रूरी रहती है। तो ये देखिए इस तरह से अंदर पूरे हैंडल्स और ये सब चीज़ों में करती हूँ। तो आप आगे देखिए, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी और क्लीनिंग करके, फटाफट से मैं आप लोगों के साथ ये फास्ट फॉरवर्ड में, मैं जब भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ कुछ कुछ तो वो फास्ट फॉरवर्ड होती है, तो आप लोग ये ना इतनी स्पीडली काम कर रहे हैं, कुछ कुछ फास्ट फॉरवर्ड में होती हैं। देखिए चैनल को भी मैं अच्छे से वेट क्लॉथ से ही कर रही हूँ ये क्लीन, तो कितने अच्छे से क्लीन हो रहा है। अब ग्लास पे एक ये वेट क्लॉथ मैंने पहले अच्छे से कर दिया, इसको वॉश करके अगेन यूज़ कर रही हूँ सेम क्लॉथ से ही, और इसको पूरा अंदर बाहर अच्छे से पूरे से आप बार बार कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वाइपर वाला। तो ये मैंने पहले कॉलिन जो जिस तरह से वो लोग बताते हैं पानी, उसके बाद ये वाइपर इस तरह से नीचे करके मैं पूरी तरह से मतलब उसको राइट वाली साइड भी हॉरिजॉन्टल और दोनों एंगल से उसको ट्राई करा, और ये देखिए नीचे वापस इतना गंदा हो गया उससे, और तो उससे वापस पूरा चैनल ख़राब होता है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि जब पूरा चैनल ख़राब होना है तो उससे तो बेटर यही है कि आप एक वेट क्लॉथ से ग्लास को क्लीन करें, उसके बाद टिश्यू से या फिर पेपर इजीली हमारे घर में अवेलेबल होता है, हमें कोई बाज़ार से कोई चीज़ लाने क्लीनर लाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप पानी से भी इसको आराम से क्लीन कर सकते हैं। तो वो फेरो और इजीली आपका ग्लास क्लीन हो जाएगा बिल्कुल चमचमाता हुआ। तो ये ग्लास क्लीनिंग की मेथड बहुत ही सिंपल है, पुरानी है और काफ़ी अच्छी है, तो हमें सबको ये फालतू झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक वेट क्लॉथ लें, ग्लास पे एक नॉर्मली क्लीन करें और उसके बाद पेपर से यूज़ करें। ये देखिए पीछे आपको दूसरा ग्लास दिख रहा होगा कितना गंदा है, अब ये वाला ग्लास देखिए आपको अभी उस साइड से बाहर वाली साइड से ख़राब है, अंदर वाली साइड से मैंने उसको क्लीन कर लिया। अब मैं आ गई हूँ बाहर वाली साइड पे और बाहर से भी उसको क्लीन कर लूँ। देखिए अगेन वेट क्लॉथ मैंने करा, उसके बाद ये पेपर यूज़ करके उसको क्लीन कर दिया। बहुत ही सिंपल है और बहुत ईजीली हो गया था, फटाफट से हो गया और काम निपट गया। तो इसको अराउंड काम करने में मुझे आराम से कितने 3 आवर्स लगे थे, क्योंकि ये बड़ा वाले पूरे ये 4 ग्लासेस का है चैनल,
ये, उसके बाद नेट क्लीन करना है, देन उसके बाद नीचे का पूरा फ्लोर और वो सब क्लीनिंग करना, और बाहर के ये ग्लासेस, बाहर के ग्लासेस को भी करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था, क्योंकि बाहर आउटर साइड वाला भी करना था तो उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगता है, बहुत ही एहतियात से ध्यान से करना पड़ता है। तो मैंने टाइम भी ऐसा, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा कोई बाहर होता नहीं तो वो टाइम पे आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए अंदर से बाहर से ये मैंने सब तरफ से अच्छे से क्लीन कर दिया है। नेट पे भी मैंने ये क्लॉथ की नेट होती है तो इस पर ईजिली मैं कपड़े से आप क्लीन कर सकते हैं। देखिए चैनल भी पूरे क्लीन हो गए, अब हम इसको लॉक कर देते हैं। और ये मैंने मेहंदी भी लगाई थी एक दिन पहले। अब यहाँ पे कर्टन वर्टन सेट कर देते हैं। ये देखिए रोप लगा के मैं कर्टन को पूरा सेट कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसा लुक है। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से इसको सेट कर दिया। कर्टन्स की भी मैंने डस्टिंग कर दी हाल फिलहाल, तो फिर इंशाल्लाह देखिए चेंज करने का हुआ तो चेंज करेंगे। तो ये कर्टन्स भी ऑलरेडी वॉश करके मैंने उसको सेट कर दिए हैं। और अब ये देखिए, अब हम बाहर के ग्लास को क्लीन करने की तरफ आ गए। मोस्टली ये गंदा ऐसे होता है कि लाइबा इसको पकड़ पकड़ के खड़ी होती है, तो वो क्लीन हो गया। अब हम आ गए इस रूम की तरफ। ये है नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे का ब्लॉग, उसके नेक्स्ट डे का। तो ये मुझे रूम की क्लीनिंग करना, अभी हाल फिलहाल इसका ऐसा कुछ लुक है। एक साइड पे लाइबा के पूरे टॉयज़ हैं ये, एक साइड पे दीवान है, उस पे मैंने आयरन के कपड़े वो। तो ये देखिए अब क्लीनिंग हो गई है। यहाँ से मैंने सारे टॉय हटा दिए। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये कूलर, तो अभी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में अब ये यूज़ हो जाएगा। वो नीचे पिंक एक बास्केट है जिसमें लाइबा के टॉय हैं एक्स्ट्रा। ये स्टडी टेबल हो गई, यहाँ पर लाइबा का पूरा सामान रखा है। ये भी एक वो है, शेल्फ भी पूरी क्लीन कर दी। यहाँ पे अभी लाइबा के पेपर हो जाएंगे तो अब ये बुक्स और वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्टेशनरी आइटम है और कुछ आर्ट क्राफ्ट एंड आर्ट का सामान है, और नीचे भी लाइबा का ही सामान है शेल्फ में स्टडी। और लाइबा के जो टॉयस है, जो ये बड़े बड़े स्कूटर्स हो, ये मैंने अलमारी में शिफ्ट कर दी। यहाँ पे स्पेस थी, मैंने सबको एक के ऊपर एक रख दिया। और ये साइड में यहाँ पे भी सारे, एक साइड पे सॉफ्ट टॉयज़ है, एक साइड पे बॉक्सेस में नीचे एक टॉयज़ है, और ऊपर थोड़े बहुत टॉयज़ रख दिए कि वो जब खेलना हो तो खोल के आराम से बैठ के यहाँ पे खेल सकती है। बिखरे बिखरे रहते हैं तो बच्चे और उसको फैला देते हैं, तो यहाँ से ये निकाला खेला और मुझे रखना है तो मैं इजीली उसको अंदर रख सकती हूँ। हमारा घर भी क्लीन रहेगा और वो तो अब यहाँ पे क्या जगह रहती है, तो हम जितनी जगह वहाँ पे स्प्रेड होता जाता है। और ये है दीवान पे, यहाँ पे कपड़े हैं आयरन के, तो ये अब आयरन हो जाएंगे। उसके बाद इसको मैं सोची दीवान को या तो बाहर वहाँ कारपेट है वहाँ शिफ्ट करने का, या जहाँ कूलर रखा उस वॉल पे शिफ्ट करने का, देखते हैं कहाँ करते हैं। तो ये रूम भी हमारा क्लीन हो गया, लगभग हमारे सब घर पूरे तरह से क्लीन हो गया। तो यहाँ पे कॉर्नर का ग्लास, ये भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया। ऊपर जो है वो थोड़ी सी यूज़ के सामान है तो वो रखे हुए हैं। यहाँ पे टेबल है, वो लॉन्ड्री बैग है रेड कलर का कॉर्नर पे। यहाँ पे ब्लू रूम के हिसाब से ब्लू कर्टन है। तो आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी मेरी इस तरह से। और यहाँ पे अब मैं किस तरह से अपने मनी प्लांट को क्लीन करती हूँ, वाटर में ही जो यूज़ करती हूँ, ग्रो करती हूँ वो वाला। तो यहाँ पे ये वाला मैंने आइसक्रीम वाला जो टब होता है वो ले लिया है। और ये जो है इनकी रूटिंग आ जाती ना, तो उसके बाद भी आप लोग इसको किस तरह से क्लीन करें, इसमें से ना हल्की हल्की सी जो ख़राब रहती है आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर कुछ जड़ें टूट भी रही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पानी में डालेंगे अगेन रीग्रो हो जाएगी। पर क्लीनिंग करना ज़रूरी, वरना आपका वो पूरा डैमेज होता जाता और पूरा मनी प्लांट सड़ जाता है। तो विद इन अ वीक आपको ये क्लीन करना चाहिए, तो उससे आपका मनी प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। इनडायरेक्ट सनलाइट में आप रख सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में भी आप रख सकते हैं, पर अभी गर्मी ज़्यादा है तो ज़्यादा सनलाइट रहेगी तो उसमें ना रखें, इनडायरेक्ट में रखें। मैंने थोड़े से स्टोन डाल दिए उसमें ताकि वेट रहे, और यहाँ पे ये इस तरह से ऊपर हैंग कर दिया। और लाइबा यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रही थी, कुछ स्पेल भी के उसको वर्ड्स कुछ याद नहीं थे, तो मैंने बोला चलो आप लिख लिख के याद कर लो, तो उसको पेपर में चार्ट बना के दे दिया था। तो वो अपना एंजॉय कर रही थी और अपना लिख के याद कर रही थी। तो बच्चों को भी बिज़ी रखना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे देखिए मैं इस प्लांट्स को सबको स्प्रे भी कर रही थी। अभी समर का टाइम है तो आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आपके जो भी प्लांट्स, अगर आप प्लांट लवर हैं तो आप लोग ज़रूर से ये काम करते होंगे, और मनी प्लांट हैं तो आपको करना ही चाहिए, उनको भी नीड होती है। तो इस तरह से शावरिंग आप करते रहा करें, उससे काफ़ी अच्छे प्लांट्स ग्रो होते हैं।
यहाँ पे मैं अब सभी प्लांट्स को अपने अच्छे से शावरिंग कर दूँगी। इवनिंग का टाइम है ये, यहाँ पे अभी अराउंड 5:30 का टाइम है। तो लाइबा अपना पढ़ के सो गई थी, मैं फ्री थी तो मैंने सोचा चलिए क्लीनिंग कर लेती हूँ। अब रात के डिनर में आज फिर मैंने सोचा कि चिकन था थोड़ा सा, तो मतलब चिकन का पुलाव बना लेते। लाइबा बिरयानी बोल रही थी, मतलब बिरयानी में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो लाइबा और मैं ही थे खाना खाने के लिए, तो मतलब चलो फटाक से हम चिकन पुलाव बना लेते। तो मैंने पुलाव काइंड ऑफ बिरयानी की तरह थोड़ा सा उसका वो कर दिया, मसाला बना लिया, प्याज डाल दिए, खड़े मसाले डाल दिए, जीरे और लौंग, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, सब डाल के प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। इसमें हम डाल देंगे अब जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही चिकन ऐड कर देंगे। तो पूरा बोनलेस चिकन था तो मैंने उसको सोचा टिक्का की तरह उसको थोड़ा सा बना लेते हैं, चिकन टिक्का, और फिर उसमें हम राइस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने चिकन के साथ अब मैं मसाले भी डाल दिए, चिकन हमारा हाफ कुक हो गया है। अब हम हल्दी, लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर ये सब ऐड कर देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर देंगे ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए। फिर इसके बाद अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं अब ऐड करी कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच और यहाँ पे राइस ले लेंगे हम 2 स्पून्स, ये वाले स्पून जो बिग स्पून है ये लिए मैंने 2 बिग स्पून। यहाँ पे चिकन हमारा अच्छे से कुक हो गया, अब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस को वॉश करके। तो राइस को अब हम वॉश कर लेते हैं, राइस को वॉश कर लिया अच्छे से। इसमें अब मैं थोड़े से प्याज और शिमला मिर्च चॉप करे हुए डाल देते हैं, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। और राइस डालने के बाद आप या तो उसकी सीटी लगा सकते हैं या फिर आप उसको दम करने भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसकी सीटी लगा लूँगी। राइस ऐड कर दिए, सॉल्ट और राइस के हिसाब से हम ऐड कर देंगे और थोड़ी देर इसको एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद हम इसमें अगेन वाटर ऐड करके 1 सीटी लगा लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर दें, मैं ज़्यादा उसको नीचे से मिक्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर मसाला ज़्यादा हो जाएगा, फीका राइस थोड़ा कम हो जाएगा। तो लाइबा को भी खाना, तो उस हिसाब से राइस को इस तरह से मिक्सअप कर रही हूँ मैं। तो ये दम में ही कुक हो गया है, हल्की सी अभी इसमें करनी है। तो अब मैं सोच रही हूँ इसकी एक विसल ले लूँ, तो इसकी अब हम कुक कर लिया है, विसल ले ली और ये देखिए हमारा राइस भी अच्छे से कुक हो गया और अब हम इसको सर्व कर देते हैं। और मैंने यहाँ पुदीना और धनिया से गार्निश कर दिया है और इसके साथ सलाद भी बना लिया। तो अब ये नेक्स्ट डे हो गया है, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। नाइट में मैंने चिकन पुलाव बनाया था और अब हम करेंगे इस विंडो की क्लीनिंग। ये नेबर्स और हमारे बीच वाली रूम की विंडो है, तो विंडोज़ की क्लीनिंग में मेन ये वाली विंडो रहती है क्योंकि बाकी तो मेरी इजीली हो जाती है। ये वाली क्या पामा यहाँ से पूरा विजिबल रहता है पास में, तो मैं 3 मंथ्स में ऐसे कुछ क्लीन करती हूँ। तो ये वीडियोज़ जो बना रहे व्लॉग में बना रही हूँ, ये 4 से 5 दिन का व्लॉग है, तो बहुत एफर्ट्स लगता है हमारे लिए। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करके बता दिया करें कैसी लगी आपको हमारा ये व्लॉग। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसमें देखिए इतना डस्ट हो गया है क्योंकि ये आउटर साइड पे पड़ती है, तो यहाँ पे काफ़ी डस्ट आता है इसमें ज़्यादा। और ये मैं 3 से 4 मंथ में ही क्लीन करती हूँ, ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करती क्योंकि इस रूम में इतना ज़्यादा यूजेज नहीं है। लाइबा के खेलने के खेलती है टॉय है और वॉशरूम हमारा इस रूम का यूज़ होता है, ज़्यादातर नहीं होता है। तो यहाँ सेम डे पे ही मैंने वो क्लीनिंग के बाद लाइबा का हेयर कट करना है, तो इसकी नॉर्मल लेंथ नहीं थी और अब इतने बाल मैंने उसके कट करें, तो कैसी लगी। अभी मैंने सिंपल सा उसका हेयर कट कर दिया और इंशाल्लाह फिर या तो ईद के बाद या फिर होम टाउन जाएंगे जब हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो ये देखिए इतने हमें हेयर कट करना है लाइबा के, तो पर इतने तो मैं नहीं करूँगी, थोड़े से ही करूँगी। तो आप देखिए फाइनल यहाँ तक थे उसके हेयर और यहाँ तक मैंने उसके कट कर दिए स्ट्रेट कट, सिर्फ इतने ही हेयर कट उसके कट हुए हैं। तो सिंपली और अच्छे भी लग रहे हैं इतने हेयर, मतलब पहले से थोड़ी उसकी लेंथ कम हो गई क्योंकि इसके बाल कर लिए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्कूल टाइम में। तो वो मॉर्निंग टाइम में मामा दुख रहे हैं, मामा दुख रहे हैं, तो मतलब चलो आपके थोड़े हेयर कट कर देती हूँ तो उसको भी रिलैक्स भी हो जाएगी। तो ये मैडम जी का हेयर कट हो गया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो गया था। और ये पोज मारते हुए लाइबा स्टाइल मार रही हैं आगे पीछे, देखिए कांच में, ये इसका फेवरेट पोज है, आके कांच में इस तरह से अपने आप को देखती।
तो ये था मेरा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।